गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग मैम, हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं आप सब? जल्दी से रिप्लाई करिए, मुझे नहीं सुना इधर. फाइन, गुड. चलिए अपने स्कूल का नाम बता दीजिए जल्दी से. विशिष्ट पब्लिक स्कूल. चलिए, ये आपकी बुक है बच्चे, अवेयरनेस स्किल बुक. इसके पेज नंबर 10 पे जाइए. यहाँ है सेफ्टी एट होम. हमें क्या क्या सेफ्टीज घर में करनी चाहिए, तो देखिए मैं आपके लिए लाई हूँ कैंडल और हमने इसको बर्न कर लिया, राइट. देखिए मैम का हाथ में ये लग गई, बर्न हो गया. क्यों? क्योंकि मैम ने इसको टच किया. देखो, किया ना आपके सामने, ये मेल्ट हुआ और ये मेरे लग गया. आप देखो, ये बर्न हो गया, राइट. तो कभी भी डोंट टच द फायर. हमें कभी भी फायर को टच नहीं करना चाहिए. जब आपकी मम्मा किचन में खाना बनाती है तो तब पास में फायर को टच नहीं करना चाहिए. और सर्दियों में आप लोग करते हो ना, लगाते हो ना फायर, तो उसके बिल्कुल पास में नहीं जाना चाहिए. क्यों? क्योंकि हमें वो बर्न कर देता है. थोड़ा डिस्टेंस रख कर ही उसको हीट लेनी चाहिए, राइट. तो ये तो हो गया हमारा फायर. और बच्चों, कोई भी आपके घर में देखिए डोरबेल होती है ना सबके घर में, मेरे पास भी है. देखिए अब ध्यान से सुनिए, ये इट मींस कोई ना कोई हमारे पास आया है और आपकी मम्मा बोलेगी प्लीज़ ओपन द डोर, तो आपको ऐसे जाके ओपन नहीं कर देना है. सबसे पहले देखना है कि कोई स्ट्रेंजर तो नहीं है जिसको आप नहीं जानते. उसके लिए कभी भी आपने डोर ओपन नहीं करना है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके घर आई तो आपको तो पता चल जाएगा, तो अंजलि मैम है, तो आपने बोला आ जाओ मैम, आ जाओ आ जाओ आ जाओ. और आपकी श्वेता मैम, प्रतिमा मैम, सुनीता मैम, सोनिया मैम, ये सब आपके घर में आएंगे तो ये भी आप, उनको भी आप जानते हो, उनके लिए भी डोर ओपन कर लेना. लेकिन आप देखिए, मैं आपके लिए एक मैम को मिलवाती हूँ. मैम आइए, से गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. देखिए इस मैम को आप नहीं जानते ना, और ये आपके घर में आएंगे, राइट. इनके लिए डोर मत खोलना. क्यों? क्योंकि आप इनको नहीं जानते हो बेटा, ठीक है. अगर श्वेता मैम, सोनिया मैम, प्रतिमा मैडम, स्नीता मैडम, अंजलि मैम आपके घर में आएंगे तो उनके लिए आपने डोर ओपन कर देना है. क्यों? क्योंकि आपको पता है आप हमें जानते हो. लेकिन इन मैम को आप नहीं जानते तो डोर ओपन नहीं करना. चलिए आइए, अब आपके घर में देखिए सबके पास ये स्विच बोर्ड है, राइट, है ना. अगर स्विच बोर्ड ना हो तो कोई टीवी नहीं चलेगा, मोबाइल रिचार्ज आपका चार्जिंग नहीं होगी, और आपके घर में गीजर होता है, गर्म पानी भी नहीं होगा, बहुत सी चीज़ें, एसी नहीं चलेगा, ठीक है, कूलर नहीं चलेगा, फैन नहीं चलेगा. तो हम सबके घर में ये स्विच बोर्ड है, इवन आपकी क्लासरूम में भी है, तभी तो आपके फैंस और लाइट्स चलती है ना. तो बच्चों, मैंने कई बार देखा है कई बच्चे अपनी छोटी छोटी, उनकी लिटिल लिटिल फिंगर्स हैं, वो अंदर डालते हैं. तो कभी भी हमें डोंट डू दिस, उससे हमें करंट लग जाएगा. क्या लग जाएगा? करंट लग जाएगा, ठीक है. तो कभी भी आप ऐसा नहीं करेंगे. और सुनिए बच्चों, हमारे घर में बालकनीज होती हैं, ठीक है, उसकी रेलिंग होती है. कई बच्चे ऐसे झुकते हैं, उससे क्या होता है, आप गिर जाओगे, आपको चोट लग जाएगी. तो नेवर डू दिस. और स्टेयर्स, पता है आपको क्या होती है? स्टेयर्स होती हैं बच्चों, सीढ़ियाँ होती हैं. सबके घर में भी है, मेरे घर में भी है, आपके घर में है, वेरी गुड. तो हमें कभी भी स्टेयर्स पे भागना नहीं चाहिए. इवन कॉरिडोर्स में भी हमें भागना नहीं चाहिए, हमें स्लोली 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 चलना चाहिए. तो प्लीज़ आप इस सेफ्टी एट होम जो है आपका पेज, पेज नंबर 10 पे जाइएगा और इन सेफ्टी जो है हमने आपको प्रिकॉशंस बताए हैं इनको लीजिएगा. ऐसा कभी मत करिएगा, ठीक है, ताकि आप सेफ रहो घर पर भी और बाहर भी. ये घर पे नहीं करना है, ये बाहर भी जब आप जाते हो बच्चे तो आपको इनका ध्यान रखना है. स्कूल जाते हो आप, घर पे होते हो, किसी रिलेटिव के घर जाते हो, पार्क में जाते हो, ठीक है, मम्मा पापा के साथ घूमने जाते हो, तो ये जो सेफ्टी रूल्स हैं इनको आपने घर के साथ साथ हर कहीं बाहर भी फॉलो करना है. हमारी बुक में तो सिर्फ सेफ्टी एट होम है कि घर में ही देखना है, लेकिन आपको ये रूल्स फॉलो करने हैं बाहर भी, स्कूल्स में भी. तो प्लीज़ करिएगा. बाय बाय, टेक केयर.